हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यानी फाइबर टू फैब्रिक पार्ट टू में हमने पढ़ा प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। इसके दो स्टेप्स हमने पढ़े थे। पहला स्टेप शीयरिंग यानी कि रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शीप। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था स्कोरिंग यानी कि वॉशिंग ऑफ द शीयर्ड स्किन। आइए तीसरे स्टेप पर चलते हैं। स्टेप थ्री, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। स्कोरिंग के बाद क्या किया जाता है? सॉर्टिंग। द हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में भेजी जाती है ये हेयरी स्किन, वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर, अलग अलग बनावट वाले हेयर अलग किए जाते हैं, जैसे कि कोई थिन है हेयर, कोई थिक है, कोई कोर्स है यानी खुरदरा है, या कि कोई सॉफ्ट है। तो ये सारे हेयर्स अलग अलग किए जाते हैं। स्टेप फोर, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बूर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। छोटे छोटे फ्लफी फाइबर्स जिनको कि बूर कहते हैं, वो उनको पिक किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। दीज आर द सेम बूर्स विच समटाइम्स अपेयर ऑन योर स्वेटर्स। ये वही बूर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पे आ जाते हैं। द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड। ये जो फाइबर्स हैं, यहाँ पर हेयर्स जो हैं, वो दोबारा से उनकी वॉशिंग होती है, स्कोरिंग, और फिर ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इन टू फाइबर्स। अब यहाँ पर ये वूल रेडी है फाइबर बनाने के लिए। स्टेप फाइव, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। अब क्योंकि जो शीप की नेचुरल फ्लीस है वो तो या ब्लैक होती है, या ब्राउन होती है, या फिर वाइट होती है, तो दूसरे कलर्स लेने के लिए अब यहाँ पर डाई किया जाता है, कलर किया जाता है, डाइंग कहते हैं इसको। स्टेप सिक्स में क्या किया जाता है? द फाइबर्स आर स्ट्रेटन्ड। फाइबर्स को सीधा किया जाता है, कॉम किया जाता है, एंड रोल्ड इन टू यार्न, और धागों के गोले बनाए जाते हैं, रोल किया जाता है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इन टू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे वो वूल बनाई जाती है जिससे कि स्वेटर्स बनते हैं। एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वोवन इन टू वूलन क्लॉथ। और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको काट कर बुन कर वूलन क्लॉथ बनाया जाता है। तो ये हैं सिक्स स्टेप्स। आइए देखें फिगर में। ये फर्स्ट फिगर में ये शीप की फ्लीस रिमूव की जा रही है, जिसको कि कहते हैं शेयरिंग। यहाँ पर स्कोरिंग इन टैंक्स की वॉशिंग हो रही है। और नीचे अगले उस पर चलते हैं, ये स्कोरिंग बाय मशीन्स से वॉशिंग हो रही है फ्लीस की। और फाइनली यहाँ पर रोलिंग इनटू यार्न, धागा जो है वो रोल हो रहा है। ब्रीफ में कैसे शो कर सकते हैं सारे प्रोसेस को? शेयरिंग यानी कि रिमूवल ऑफ फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द शेप, फिर स्कोरिंग यानी वॉशिंग एंड क्लीनिंग, सॉर्टिंग अलग अलग करना डिफरेंट टेक्सचर्स के हेयर्स को, अलग अलग बनावट के हेयर्स को, क्लीनिंग ऑफ बूर्स, बूर्स को क्लीन करना या रिमूव करना, फिर डाई करना, और फिर रोलिंग। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, हैजर्ड होता है रिस्क। अब इस इंडस्ट्री में, वूल इंडस्ट्री में क्या रिस्क है? वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों के गुजर बसर का साधन है, बहुत अच्छा। बट सॉर्टर्स जॉब इज रिस्की। लेकिन जो सॉर्टर्स की जॉब है, जो सॉर्टिंग है, वो रिस्की है। एज समटाइम्स दे गेट इन्फेक्टेड बाई ए बैक्टीरियम कॉल्ड एंथरेक्स। क्योंकि वर्कर्स जो हैं वो कभी कभी इन्फेक्ट हो जाते हैं, किससे? बैक्टीरियम से। कौन से बैक्टीरियम से? एंथरेक्स। जब हम एक की बात करते हैं तो बैक्टीरियम, और इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया। विच कॉजेज ए फेटल ब्लड डिजीज
जिससे कि एक ब्लड डिजीज हो सकती है, इवन ये फेटल भी हो सकता है, डेथ तक हो सकती है, कॉल्ड सॉर्टर्स डिजीज।